अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम ज़हूर अहमद है। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगा। इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम इसका 4, 5 और 6 पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले उसके मीनिंग आएंगे और उसके बाद फिर उसकी मैं रीडिंग करूँगा और फिर ट्रांसलेशन होगी। तो ये बोर्ड पर लिखे हुए मैंने, ये पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका। सोर्सेस, ज़राए, कंस्ट्रक्शन, तामीर, यूजुअली आमतौर पर, टाइम कंज्यूमिंग, वक्त तलब, इक्विपमेंट, सामान, ग्रिलिंग, जंगला लगाना, फटीग, थकान। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ है, सॉरी ये पैराग्राफ नंबर 5 है आगे। अनमॉनिटर्ड, बगैर रोकथाम के, इरिटेंट, तकलीफ पहुंचाने वाले अवामिल या अनासिर, एक्सेसिवली बहुत ज्यादा, वॉल्यूम आवाज, सिविक शहरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। नेक्स्ट पैराग्राफ, डैमेज, नुकसान, एग्रेशन, इश्ताल, हाइपरटेंशन, बुलंद फिशार खून, डिप्रेशन, मायूसी, इंसोमिया, बदख्वाबी। और लास्ट वन है इन एडिशन, इसके अलावा। अब आप पेज अपनी बुक के मैं आपको बता देता हूँ, इस पर आ जाएं, इसकी हम रीडिंग करेंगे और फिर इसके साथ साथ ट्रांसलेशन करते जाएंगे। पेज 112 है और इसका लास्ट पैराग्राफ है इस पेज पर, पैराग्राफ नंबर 4। अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब तामीराती जगहों पर काम है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर सुस्त और वक्त तलब होते हैं। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पाइसिंग साउंड इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तामीराती जगहों पर बार बार गाड़ियों की आमद और रफ्त और यहाँ इस्तेमाल होने वाला सामान, जंगला लगाने और सुराख लगाने की आवाज़ शोर की आलूदगी का बड़ा सबब है। इट्स नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट आल्सो इफेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाई काजिंग मेंटल फिटीग। ये ना सिर्फ आम लोगों को बेआराम करती है बल्कि यहाँ पर काम करने वालों की जहनी थकान का सबब भी बनती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम एंड टीवी ऑल बिकम्स इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल, बिजली पैदा करने वाली मशीनें, आदाते मौसीकी और टेलीविजन वक्तन फवक्तन तकलीफ का बायस
बनते हैं। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट देम ऑन साइलेंट मोड व्हेन दे एंटर ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस। लोग आमतौर पर जब कभी अपने दफातर में, अस्पतालों में, कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो वो अपने मोबाइल फोन को खामोश हालत पर नहीं रखते। दे आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज। वो रिहायशी इलाकों में बिजली पैदा करने वाली मशीनों को बड़े पैमाने पर चलाते हैं और इस तरह दूसरे लोगों को तकलीफ में मुब्तला करते हैं। Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. इसके अलावा ऊंची आवाज में मौसीकी सुनना और टीवी सुनना शोर की आलूदगी का एक और सबब है। For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of these careless action. इसके लिए लोगों को शहरी एहसास पैदा करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोग इन लापरवाहाना आमाल की वजह से तकलीफ में मुब्तला ना हों। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि पैराग्राफ नंबर 6 है, नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली एनवायरमेंटल डैमेज बट इट आल्सो हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती इस लाइन को बड़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करें। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है बल्कि ये इंसानी सेहत पर मुज़र असरात छोड़ती है। It can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. ये बदख्वाबी, शिकस्ता दिली, बेचैनी, कुत समात के नुकसान और तनाव का वाजिब बनती है। इंसोमिनिया कैन फर्दर लीड टू एंग्जाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। नींद की कमी मजीद बेचैनी और जज्बाती हिजान की तरफ ले जाती है। इन एडिशन नॉइस पॉल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर। इसके अलावा शोर की आलूदगी पढ़ने वालों पर बहुत बुरे असरात डालती है। दिस गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन। इससे उनको गैर जरूरी दिमागी और जिस्मानी तकलीफ होती है। तो ये पैराग्राफ नंबर, आप दोबारा इनको अच्छे तरीके से पढ़ने में था, किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो मुझे पूछें, फ़ोन करें, मैं आपकी हर मुश्किल आसान करने के लिए बैठा हूँ।